गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10। अभी जब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं उठ गई थी बहुत पहले। और अभी ये रो रही है। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं ना अनियन कट कर रही थी। अभी मैं आँखें खोल ही नहीं पा रही हूँ, वॉश करके आई फिर भी ऐसा आँखें पूरा जल रहा है। देखो फिर से पानी आ रहा है, ये होता है पानी, तो जो भी है। फिर भी मैंने ना वो कुछ तो मैंने वीडियो में देखा था, तो अनियन मैंने पानी के अंदर डिप करके रखा था, बट फिर भी इतना जलन हो रहा है, बाप रे बाप। जो भी है अभी हम लोग चाय और ओट्स बिस्किट खा रहे हैं। तारिक ने बोला कि आज कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, बिस्किट और चाय खाते हैं। एक्चुअली डेली वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकलता है ना खाना खा के, तो आज थोड़ा लेजी सा उसका डे है। जो भी है वो अभी मटन लेने जाएगा, आज घर में बनेगा मटन, क्योंकि मैं बंगाल में जाके आप लोगों को मैंने बताया है, मैंने ठूस ठूस के मटन खाया था बहुत। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पतिदेव नहीं खा रहे। एक्चुअली मैं घर पे नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। मतलब मुझे ना थोड़ा सा है, मतलब डाउट है कि मटन थोड़ा ठीक ठाक देते या नहीं, पता नहीं। मटन की जगह लैम दे देंगे तो? हाँ, वो मुझे पसंद नहीं एक्चुअली। तो और मुझे ना रॉ मटन, मतलब मैंने एक बार ही पुणे में शायद बनाया था, मुझे हाथ लगाने में बहुत ये होता है। बट अभी ठीक है, अभी थोड़ा आदत हो गया है, पड़ गया है। मतलब देख के खाना खा के क्रेविंग भी होता है ना, तो या तो मैंने ही उसको बोला कि चलो आज मटन लेके आओ, तो मस्त मटन बना के खिलाती हूँ बंगाली स्टाइल एकदम। और पानी आ रहा है अभी से और बंगाली झींगे पोस्ट तो बनाऊँगी, राइस, बस यही सिंपल सैटरडे वाला सीन कुछ ऐसा है लंच का। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, वेजिटेबल्स कट करके रख दिया, दिखाती हूँ, पहले चाय पीती हूँ उसके बाद। ये इंसान चिकन लेने जा रहा है या फैशन शो में जा रहा है पता नहीं। देखो तब से ऐसे आईने के सामने देख रहे हैं और मुझे पूछ रहा है जाओगे क्या, जाओगे क्या। मैं सोच रहा था दोनों मिलकर थोड़ा घूम के आएंगे, मस्त होगा, हां हां मजा आ जाएगा। बहुत लेट हो जाएगा ना, जागृति आएगी भी। ओके ठीक है, क्या करेंगे, दुख दर्द भी है। शाम को निकलेंगे ना, शाम को तो निकलेंगे। जाओ बाबा दादी, और इधर वेजिटेबल्स कट करके रख दिया है मैंने, अनियन भी। झींगे पोस्त मोटू अनु बोलो मटन टर से तो वीडियो तो सच्ची कथा बोल। ये देखो भात बड़ा चलछे सुनने पड़े मटन को तो चोक छोड़ते बच्चे ने भी बोल। राइस पोस्तो झींगे पोस्तो मटन, मटन का मेवी आमे चटनी, और यहाँ पे है आम और कच्चा आम और गुड़ का चटनी। अच्छे से दिखाती हूँ मटन और साथ में नेटफ्लिक्स और मेरे पतिदेव। বোলপুরে জামাই ষষ্ঠীতে না গেলেও মায়ের হয়ে বিভিন্ন রকমের রান্না করে তরিতকে আমি খাওয়াতে কোনো ত্রুটি ছাড়ি না। মানে ও যেগুলো পছন্দ করে সেগুলো আমি সবসময় চেষ্টা করি ওকে ছুটির দিনে, মানে স্যাটারডে সানডেতে উইকেন্ডসে বানিয়ে খাওয়ানোর। সেই হিসেবেই আজকে আমি ওকে সকালেই বলেছিলাম যে তুমি প্লিজ দয়া করে আজকে মটনটা এনো আমি বানাবো। কারণটা একটাই, কারণ আমি মটন, আমিও কিন্তু অত ফ্যান ফ্যান আছি, বাট নিজে বানানোর জন্য একদম ইচ্ছে হয় না। কিন্তু হ্যাঁ, ও যেহেতু জামাই ষষ্ঠী ওরও তো ইচ্ছে হয়, তো ওর জন্য আমি সব রকম আনিয়ে রেখেছি। তো মটন তো হলো, পোস্ত তো হলো, সাথে আছে মাদার ডেয়ারির মিষ্টি দই, এটাও আমি রেখে দিয়েছি, আর সাথে অনেক অনেক লিচু, যেটাও আমি একটু পরে দেবো, এখন এখন দইটা দিয়ে আসি সামনে। चाय पी के थोड़ा सा स्नैक्स वैक्स खा के अभी निकल रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, पहले तो पेट्रोल भराएंगे उसके बाद दूध भरेंगे। और लुक एट द स्काई, कितना सुंदर दिख रहा है। मैं सिनेमैटिक से ले रही हूँ, नॉर्मल में देखती हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है, देखो देखो। ऊपर कुछ
अभी आए हैं पेट्रोल पंप शेल बोलो पेट्रोल वाले एकदम फुल पेट्रोल करे थे वो पूरा चुप के बोल पेट्रोल पंप आए हैं तो आप लोगों को पता है रिचुअल्स फॉलो करना है तो एक बार मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। अरे बारिश हुआ था ना इसी वजह से क्यों बोल रहा गई मुख चाव पर चाव ये तो खाली क्या ना थाने वाले किधर है वो थाने कर्स किधर हो थाने कर्स ये इतना सुंदर कब बना दिया चीजें बहुत अच्छे बना बहुत सुंदर मैं जब गई थी ना बंगाल उस टाइम पे काम चालू था। हाँ ये सब सामान टाइम पास के लिए चुटर पुटर वाह बहुत अच्छा बना दिया उधर भी है। हाँ वाह सुंदर यहाँ पे रील्स बना सकते हैं। बोलो ওইদিকে কিছু একটা বানাচ্ছে আপনারা কি পিচ পিচ কিছু একটা বানাচ্ছে তো মোবাইল টুবাইল নিয়ে এসে ভিডিও বানাচ্ছে কই ওই লাইট জ্বলছে দেখতে পাচ্ছ ও হ্যাঁ वहां पे कुछ चालू है शायद शूटिंग थोड़ा लाइट रहता तो क्लियर दिखता अंधेरा कायम है बट बहुत अच्छा लग रहा है Because I am stylish. Yes. মশা কামড়াছে তুমি তোকে কামড়াই যেতে আছে দেখ দেখতে পাচ্ছো না আমি দেখতে পাইনি আমি তো মেডিসিন লেনা তো বলে এলিয়া अभी घर के तरफ चलते हैं चलो होप यू गाइस एंजॉयड दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।